हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। और आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। आज से हम लोग करेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 23, आज से स्टार्ट हो रहा है। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, अच्छा हमने बीच में ये लिखा हुआ है और, ठीक है, और के नीचे वाला क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं। हम आप इसलिए केवल लिखा है कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, हम वो आपको बताना चाहते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बताएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर इसका और का सॉल्यूशन यहाँ पे हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस, किसी टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 12400, और उस पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों है। मेल का परसेंटेज है 7% और फीमेल का परसेंट है 13%। तो 13% को आप कैसे लिख सकते हो, 7% प्लस 6%, उसके बाद देन पॉपुलेशन बिकम्स दिस आफ्टर वन ईयर, एक साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाती है। देखिए पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, मतलब बढ़ गई है, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स, तो गांव में कितने, इतनी पॉपुलेशन में पहले कितने मेल्स थे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, परसेंटेज जिसका भी ज्यादा होगा तो पहले संख्या उसकी निकलेगी कि कितनी, तो इसमें परसेंटेज किसका ज्यादा है, फीमेल्स का, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पहले आएगा आंसर में, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन से नंबर ऑफ फीमेल्स माइनस कर दोगे तो मेल्स की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 13% को 7% प्लस 6% लिख सकते हैं। तो पहले हमने मेल और फीमेल का 7% निकाल लिया, इतने का 7% कितना होता है, 12400 इंटू 7%, 20 से 20 कट गए, मल्टीप्लाई करिए, 7 4 28 8, 7 2 14 15, 16 6, 7 1 7 और 1 8, 7% तो ये हो गई। अब इन्होंने बोला कि एक साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो जो बाद वाली पॉपुलेशन है उससे हम क्या करें, पहले जो पॉपुलेशन थी वो हम माइनस कर दें, तो बढ़ी हुई संख्या आ जाएगी 8 6 1 1, तो 1 1 6 8, इतनी संख्या एक साल में बढ़ गई मेल प्लस फीमेल की मिला, ठीक है। तो इतनी संख्या एक साल में बढ़ गई, ठीक है। तो अब इसमें से ये जो 7% हमने मेल और फीमेल का निकाला है टोटल पॉपुलेशन का, इतना ये माइनस करिए इतने से 868, तो आ गया हमारा 300। अब ये जो 300 संख्या है ये किसकी होगी, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का 7% मेल और फीमेल का हम निकाल चुके हैं। अब बच क्या रहा है, 6% फीमेल बच रही है, और ये संख्या जो 300 बच रही है इसका मतलब ये किसकी संख्या है, फीमेल्स की संख्या है। तो इसका मतलब 6% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 300। अब 6% को कैसे लिख सकते हैं, 6/100 फीमेल इज इक्वल टू 300। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 5 30 और ये 0, तो आपकी आ जाएगी संख्या 5000। क्या आ गई, 5000। अब 5000 को टोटल पॉपुलेशन से माइनस कर दो, क्योंकि इनिशियल नंबर पूछा है मेल का, तो इस पूरी संख्या से 5000 माइनस कर दो तो क्या बचेगी, मेल की संख्या क्या आ जाएगी, इससे 5000 माइनस करेंगे तो 7400, ये आ गई फीमेल की संख्या 7000, ये आ गई मेल की संख्या 7400। तो इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, जो गिवन पॉपुलेशन थी तो उसमें हमने मेल और फीमेल के जो परसेंट, इक्वल परसेंट हमने पहले निकाल लिया, तो 7% निकाल लिया, 868 आ गया, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक साल बाद पॉपुलेशन बढ़ के इतनी हो गई, तो
जो पहले पॉपुलेशन थी, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन से अगर आप माइनस कर दोगे तो वो पॉपुलेशन आ जाएगी जो एक साल में बढ़ी। उसके बाद हमने मेल और फीमेल का 7% वाला 868 माइनस कर दिया, तो अब जो ये संख्या बची ये केवल फीमेल्स की बची, क्योंकि 7% फीमेल 7% मेल तो 868 थे, लेकिन अब जो 6% है वो किसके इक्वल है, 300 के। बची हुई पॉपुलेशन जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसी की ही होगी। इस तरीके से निकालने का तरीका तो हमने आपको बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज कितनी है, 130,000। इफ मेल आर इंक्रीज्ड बाय 11% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 16%, प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, केवल हम बता क्यों रहे हैं उसका रीजन अभी आप जान जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, तो ये मेल लिख लीजिए, ये फीमेल लिख लीजिए, मेल की है 11%, फीमेल की है 16%, तो 11% प्लस 5% लिख लीजिए, इसका 11% आप निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, 0, 0, 3, 11 बन जाए 11 और 12 और 13 ये आ जाएगा, है? एक बार फिर से देख लीजिए, 0, 0, 33, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है, 14300। अब देखो, अब काम की बात आई, पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय दिस आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर वाली बात तो इसमें भी बोली गई है, आफ्टर वन ईयर, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, देन पॉपुलेशन बिकम्स इतनी, मतलब एक साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय दिस आफ्टर वन ईयर, इंक्रीज्ड बाय दिस मतलब बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जब इस पॉपुलेशन से इन्होंने माइनस कर दिया तो एक साल की बढ़ी हुई संख्या है ये। इस वाले क्वेश्चन में जो हमने माइनस करके ये नंबर निकाला था 1168, इन्होंने वो संख्या ही दे दी है 17800। तो अब जो है हम इस वाली संख्या से माइनस नहीं करेंगे बढ़ी हुई संख्या को, क्यों, क्योंकि जो ये संख्या दी हुई है ये डिफरेंस दिया हुआ है किसका, इनिशियल पॉपुलेशन का और बढ़ी हुई संख्या का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे से 17800 में ये वाली संख्या माइनस कर देंगे, 14300 क्या आएगा, 5 यहाँ पे 300। अब ये किसकी संख्या है, ऑब्वियसली फीमेल्स की संख्या है, क्योंकि 11% मेल फीमेल का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है, तो फीमेल की संख्या है कितने परसेंट, 5%, तो 5/100 इंटू फीमेल इज इक्वल टू 3500, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो निकलेगा 70,000। अब 70,000 निकल गया, 70,000 फीमेल माइनस कर दीजिए इससे, तो मेल की संख्या आ जाएगी 60,000। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपने डिफरेंस समझा, देन पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाई, मतलब ये माइनस करके लिखा है, बढ़ी हुई संख्या और इनिशियल संख्या को माइनस करने पे मिला 17800, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, पॉपुलेशन बिकम दिस, मतलब बढ़ने के बाद संख्या इतनी हो गई, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन फिर से करा दिया जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम इसको रब करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ड्यू टू 25% इंक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ शुगर, मतलब
शुगर के प्राइस में 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया रेट। अ मैन इज अनेबल टू परचेज 2 kg शुगर लेस इन ₹400। पहले वो 25% अगर ना बढ़ा हो तो उससे पहले उसे 400 में ज्यादा किलो शक्कर मिलती थी, लेकिन 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया रेट शुगर के रेट में, जिसकी वजह से उसे 2 kg शुगर कम मिल रही है। पूछा क्या है, कम मिल रही है ₹400 में। पहले ₹400 में कितनी मिलती थी ये अभी हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन 2 kg कम मिल रही है पहले से, ये हम लोगों को पता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज, कौन कौन सी निकालनी है। एक तो इनिशियल प्राइस एंड कंजप्शन, पहले शुगर का प्राइस क्या था और कितनी शुगर मिलती थी, ठीक है। बाद में इस समय अब शुगर का प्राइस क्या है और कितनी शुगर उसको मतलब यूज कर रहा है, कितनी उसको मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो पता है हम वही निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि ₹400 की वो शुगर लेता था, अब 400 का हम 25% निकाल लेते हैं क्योंकि बढ़ गया है रेट 25%। तो 25% रेट बढ़ गया है तो 400 का 25% होता है ₹100। क्या होता है, ₹100। मतलब जो 2 kg उसे कम मिल रहा है उसके, वो 2 kg अगर वो उतनी ही शुगर ले जितनी वो पहले लेता था तो उसे ₹100 और ज्यादा देने पड़ेंगे। अब हमको ये पता है कि ₹100 और कितने किलो कम मिल रही है, 2 kg कम मिल रही है, मतलब 50 शुगर का रेट क्या हो गया, ₹50 पर केजी। यहाँ से हमको क्या मिल गया, शुगर का रेट, शुगर का रेट क्या है, ₹50 पर केजी। ये कौन सा रेट है, करंट रेट, अभी हमको ये पता चल गया है, ठीक है। अब हम क्या करें, 400 को, 400 क्या है, जितने उसने रुपए दिए हैं और ये पता चल गया है ₹50 पर केजी शुगर है, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा कितने किलो शक्कर अब मिल रही है, 8 kg शुगर अब मिल रही है। ₹400 में कितनी शुगर मिल रही है, 8 kg शुगर। तो ये है उसका करंट कंजम्पशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट निकल आया आपका, फर्स्ट पॉइंट पूछा इनिशियल प्राइस और इनिशियल कंजम्पशन, ठीक है। अब 8 kg हमको पता है कि 2 kg से कम मिल रही है, तो 2 kg आप ऐड कर दीजिए, मतलब पहले वो कितनी खर्च करता था, 10 kg। तो इनिशियल कंजम्पशन उसका कितना था, 10 kg का। अब हमें ये पता चल गया कि वो 10 kg शक्कर को कंजम्पशन उसका 10 kg शक्कर का है, ठीक है। अब ₹400 वो देता था 10 kg के लिए, तो जब ₹400 देता था तो 400 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो पहले शक्कर का क्या रेट था, ₹40 पर केजी। ये क्या निकल आया, इनिशियल रेट। इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। हमने समझाया जो टाइम लग गया, नहीं तो मुंह जवानी वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही मन में कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट नोट डाउन करिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट इज ₹50। मूवी का टिकट कितने का है, ₹50 का है। इट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर ये टिकट का रेट 20% डिस्काउंट कर दिया जाए, बट इट्स रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25%। लेकिन उसका रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमेशा हम क्या देखते हैं, इनिशियल रेट से, ठीक है। मतलब इनिशियल रेट में रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कैसे करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये रुपीज हमारे 50 की जगह 100 मान के चलते हैं, हम लोग हमेशा 100 मान लिया, 20% का डिस्काउंट का मतलब है 80 हो गया।
आप इसका ओरिजिनल ये लेके चलिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इसमें 20% माइनस करिए 40, 20% का मतलब होता है 10 रुपीज, 50 का 20% होता है 10, तो 10 माइनस कर दिया कितना बचा 40, 100 के 20% माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है 25% रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड। अब 25% क्या होगा, ये 125 बन जाएगा, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने प्लस इतना इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें अगर हमें 25% जोड़ना है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 50 का 25% होता क्या है। 50 2 जा 100 और 2 और 25 को सॉल्व करोगे तो 12.5 आएगा। 12.5 आप इसमें जोड़ दो तो आ जाएगा 62. एक बार देख लेते हैं, 50.0 में 12.5 तो 62.5, ठीक है, तो 62.5 आ गया। अब क्या बताना है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट इन टिकट सेल। तो टिकट सेल, अब टिकट कितने का हो गया, 80 का हो गया। यहाँ पे देखिए जो टिकट कितने का है, 40 का है। दोनों को मतलब आप चाहे इस तरीके से कर दो चाहे इस तरीके से कर दीजिए, दोनों सही है, ठीक है। अगर आप 100 मान के चलते हो तो इस तरीके से कैलकुलेशन, 50 मान के चलते हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ तो टिकट जो है, जब रेट कम करने के बाद टिकट इतने मतलब इतना जो है उसका परसेंट इंक्रीज रेवेन्यू इतना हो रहा है, ठीक है। तो 80 से 125 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 90, 20, 90, 100, 110, 120, मतलब 45। और 80 से 125 में 45 इंक्रीज हुआ है 80 से, तो अपॉन 80 × 100। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, 40 से 40 इसमें माइनस करिए तो कितना बचेगा 22.5। कहां से, 40 से ये बढ़ा है तो अपॉन 40 × 100, ठीक है। अब कोई भी एक सॉल्व कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 5 20 और 4 6 24, 4 2 8, 8 के बाद आएगा 2, फिर 0, 4 5 20, 56.25%। जो व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट इन टिकट सेल, टिकट सेल में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 56.25। अब इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 4 5 0 / 8, डिवाइड कर लीजिए, 4 5 40 5 और 4 6 48, 2 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 2 16, 4 0 बढ़ाइए, 8 5 40, क्या मिला आंसर इससे भी 56.25। तो आप 100 मान के चलेंगे तो तब भी आंसर यही आ रहा है, और जो क्वेश्चन में 50 दिया इसको लेके चलेंगे तब भी यही आंसर आएगा। समझ गए, ये दोनों क्वेश्चन के ये दोनों सॉल्यूशन है, जिस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से एग्जाम में कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। तो देखिए, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा। देन व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन ब्रेथ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एरिया कांस्टेंट। उसकी ट्रिक सिखाई थी हमने, तो देखिए ये इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे +1/5। अब ब्रेथ में क्या डिक्रीज करेंगे, सबसे पहले 5 में 1 आप ऐड कर दो तो 6 आ गया। डिक्रीज करना है तो जो न्यूमरेटर में है उतना ही यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे, इंटू 100, 2 5 10, 0 और 2 3 6। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 3 आएगा, उसके बाद 2 3 6 18,
फिर 2 आएगा तो 16.66 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ब्रेथ में कितना हम वो करेंगे, रिडक्शन करेंगे 16.66 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का परसेंटेज टॉपिक हो गया खत्म, और टॉपिक खत्म हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो एक लाइक तो बनता ही है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।